नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संतोष टेक्निकल टिप्स पे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए देखते हैं जो आजकल ई श्रम में टेक्निकल एरर आ रहा है, तो उसके बारे में बताऊँगा आपको। ई श्रम की वेबसाइट पे चलते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम पे जाएंगे और हम CSC पोर्टल से लॉगिन करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हम बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल देते हैं और कैप्चा कोड। और सेंड OTP पे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है हमें, करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका समाधान निकालेंगे हम। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, वीडियो को बीच में स्किप मत करें। तो हमने छोटी सी सेटिंग करनी है VPNS और DNS की। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, VPN और DNS की सेटिंग कैसे करनी है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है, उस मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है जिसका डाटा आप अपने लैपटॉप या PC के साथ में शेयर कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे कनेक्शंस में और उसके बाद मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे VPN पे जाएंगे। VPN पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ऐड VPN प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम आ रहा है तो नेम पे हम लिख लेते हैं स्मॉल लेटर्स में VPN और टाइप्स में हम ये पहले वाला L2TP/IPsECPSK पे क्लिक करेंगे, ये पहले वाला रखना है। और सबसे मेन है हमारा ये जो सर्वर एड्रेस है, तो ये कहाँ से लाना है हमने, हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे चलने के बाद हम यहाँ पे गूगल में VPNGate.net करेंगे, ठीक है। और ये जो पहले वाला हमारा आ रहा है VPNGate, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत किस्म के सर्वर्स मिलेंगे, तो जो आपको अच्छी स्पीड वाला मिलता है, ये पहले वाला आ रहा है 83.33 Mbps, तो हम इसी को ले लेंगे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जाके सर्वर एड्रेस पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद IPsC प्री शेयर्ड की है, इस पर हम स्मॉल लेटर्स में VPN लिख देंगे। उसके बाद यूज़र नेम में भी VPN लिखना है और पासवर्ड में भी स्मॉल लेटर में VPN लिखना है और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे VPN आ रहा है और VPN पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये कनेक्टिंग आ रहा है, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये कनेक्टेड बताएगा, तब तक हमने वेट करना है। ये कनेक्टेड हो गया, उसके बाद हमने प्राइवेट DNS पे सेटिंग करनी है। तो प्राइवेट DNS पे जाएंगे हम, ये ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद हमने प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे जाना है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में DNS लिखना है और DNS डॉट स्मॉल लेटर्स में गूगल लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद
बस ये सेटिंग्स करनी है और उसके बाद अपने डाटा को शेयर कर देना है अपने पीसी के साथ में। तो मैंने DNS और VPN की सेटिंग कर दी है। अब रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल से ओपन करते हैं और रजिस्टर बेनिफिशियरी करते हैं, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डालते हैं, सेंड OTP कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास OTP आ गया है। तो OTP को सबमिट करते हैं और यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। तो दोस्तों, आपको चाहे शायद एक बारी में नहीं हो तो आपने ट्राई करना है, एक दो बारी, दो तीन बारी करोगे, तीसरी चौथी बारी डेफिनेट 100% आपको OTP आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम आधार नंबर डाल के KYC कर देंगे। तो इसके बाद का जो भी प्रोसेस है तो आप सबको पता है।